मानसिक गुलामी है ये बढ़ती जाएगी, कपड़ों की भी गुलामी हो गई है। मैं ज्यादा यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता, कुल मिलाकर बस यही कहूंगा, अब मनाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी संस्कृति परंपरा, अपने पर्वों को, अपनी जो मतलब 50,000-30,000 साल पुरानी है उन पर गर्व करें, उनको भूले नहीं। फिर भी फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द न्यूज अराउंड यू कीप वॉचिंग फेस टॉक यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब टू द लेटेस्ट न्यूज एंड प्रेस द बेल आइकॉन। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं अंजलि राजपूत स्वागत करती हूँ आज के एपिसोड में। नेताजी, ये जो किसमिस डे है क्यों मनाया जाता है? देखिए, सनातन धर्म पद्धति 20-30 हजार साल पुरानी है जी? ये 2000 साल से 2500 साल से मनाने लगे, और सबसे बड़ा दिन हमारा है 25 तारीख का तुलसी पूजन जी। तुलसी, हमारा तुलसी पूजन और प्लास्टिक के फूलों का पूजन बड़ा अंतर है। तुलसी पूजन को तो कई काफी लोग ऐसे हैं अंधभक्ति कह देते हैं, अंधविश्वास कह देते हैं, और प्लास्टिक के फूलों की जो पूजा करते हैं जी। 25 तारीख को जी। उसको वो अपने को एप्रिशिएट करते हैं जी। तो मैं तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ, और 25 तारीख हमारे स्वर्गीय अपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भी जयंती है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। जहाँ तक इसका 25 तारीख को क्रिसमस का मनाने का है, क्योंकि हिंदुओं का त्यौहार तो है नहीं हमारे, ये हमारा हिंदुओं का त्यौहार बिल्कुल क्रिश्चियनों का त्यौहार है। हाँ, जो हमारे मेंटल, ये असल में क्या है, जो लॉर्ड मेकाले की पद्धति थी ना, जीवन पद्धति, शिक्षा पद्धति, हम सबको गुलाम कर दिया, मानसिकता गुलाम करके रख दी है। तो हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान से बाहर भी असंख्य लोग इसको मनाते हैं, और मैं तो बस यही कहूँगा कि तुलसी पूजन को मनाएं। तुलसी के पेड़ में साइंटिफिक रूप से भी, ये वैज्ञानिक चीज़ है, उसमें कई चीज़ें दमकम होती हैं, और मैं 25 दिसंबर को तुलसी पूजन बनाम ये प्लास्टिक का जो पेड़ों का पूजन होता है इसमें महत्व देता हूँ तुलसी पूजन को। और ये हमारे हिंदू सनातन धर्म में शुरू से चला आ रहा है तुलसी पूजन का, लेकिन इसको धूमिल कर दिया गया है, अब इसका परसेंटेज बड़ा कम हो गया है। लेकिन ये जो क्रिश्चियनों का है, मैं सभी के साथ हूँ, अब वो जिस तरीके से मनाते हैं उन भाइयों को भी शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन अपने सनातन धर्मीय हिंदू भाइयों से अपील करूँगा कि अपने संस्कार, अपने परंपरा, अपने पर्व उनको धूमिल ना होने दो, इनके मुकाबले में उनको भी बरकरार बनाए रखें। एक बार फिर तुलसी पूजन दिवस की सभी मेरे साथियों, देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और वो नए साल, एक नया साल हम मनाते हैं, 31 दिसंबर को ये साल खत्म हो रहा है, तो जानते हैं नेताजी इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपने देशवासियों को, भारतवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं, हम उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं जी। तो जो 31 दिसंबर को खत्म हो रहा हमारा ये साल 2021 आ रहा है, तो क्या आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे अपने देशवासियों को, भारतवासियों को? देखिए, किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से, वैज्ञानिक रूप से भी जी, 1 जनवरी नया साल नहीं होता जी। नया साल हमारा होता है जब हमारी फसल की नई नई कोपलें खुलती हैं जी, नई नया मौसम चेंज होता है, मौसम में परिवर्तन होता है वसंत पंचमी के टाइम पे जी, और कारोबार भी चेंज होता है जी। ये तो 1 जनवरी में ना तो फसल मौसम चेंज हो रहा जी, ना बिजनेस चेंज हो रहा जी, मतलब कहीं से भी कोई परिवर्तन नहीं है। और हम नववर्ष मनाते हैं अपना विक्रम संवत को सुबह के 4 बजे से, ब्रह्म मुहूर्त में मनाते हैं हम, ये मनाया जाता है रात के 12 बजे अंधेरे में जी, कुछ भी परिवर्तन होता नहीं है, लेकिन एक तरीके से भेड़चाल हो गई है हमारी, जो गुलामी है, भौगोलिक आज़ादी तो हमको मिली आधी अधूरी, लेकिन मानसिक आज़ादी हमें अभी तक नहीं मिली, ना तो भोजन की मिली। अगर हम पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री, पैटीज, कोल्ड ड्रिंक ये लेते हैं तो हम फॉरवर्ड समझे जाते हैं जी। अगर हम दूध, दही, फल, छाछ, मट्ठा जी, ये लेते हैं तो हम बैकवर्ड समझे जाते हैं जी। इन चीज़ों पर मुझे बड़ी शर्म आती है, अपनी सनातन धर्म पद्धति, अपनी परंपराओं, अपने संस्कारों को कभी भी ना भूलें जी। और मैं नया वर्ष मानता हूँ मार्च अप्रैल के टाइम पर जो आता है, भाई नवरात्रि शुरू होती है और सारा बिजनेस भी शुरू होता है पूरे वर्ल्ड का जी, उस समय होता है। लेकिन अब ये मतलब कुछ हजार लोगों ने, अंग्रेजियत ने हमारे ऊपर ऐसा कब्जा कर दिया है, हमारे दिमाग पर,
हम जन्मदिन मनाते हैं, हमारे यहाँ ये होता है कि दीपक को प्रज्वलित करके जन्मदिन मनाए समझ में आती है और अब शगुन कर देते हैं फूंक मार के भजा के, बड़े खुश होते हैं ताली बजा के, केक खिलाएंगे करें। तो इन चीज़ों का मैं घोर आलोचना करता हूँ, घोर भर्त्सना करता हूँ, लेकिन फिर भी मनाना है तो हमारा धूमिल हो गया है ना, उसको तो कोई मनाता ही नहीं। तीन शक्तियाँ हैं, दुर्गे, सरस्वती और लक्ष्मी। सरस्वती को लोग भूल गए हैं क्योंकि सरस्वती ज्ञान देती है, चरित्र देती है, नैतिकता देती है। भेड़ चाल हो रही है पैसे के पीछे, शक्ति के पीछे, हालांकि ये दोनों चीज़ें वो जब होती हैं तो तीसरी शक्ति भी आई जाती है। तो खैर, कुल मिलाकर नव वर्ष की मैं फिर भी सभी साथियों देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, इसको मनाएं, अप्रिशिएट करें, लेकिन अपना जो नव वर्ष है असली उसको धूमिल ना होने दें। अपनी संस्कृति के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। अगर इससे आप पीछे हटेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन भी जो मानसिक गुलामी है ये बढ़ती जाएगी, कपड़ों की भी गुलामी होगा। मैं ज़्यादा यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता, कुल मिलाकर बस यही कहूँगा, अब मनाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी संस्कृति परंपरा, अपने पर्वों को, अपनी जो मतलब 50,000-30,000 साल पुरानी है उन पर गर्व करें, उनको भूलें नहीं। फिर भी मैं अपने सभी साथियों देशवासियों पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को नूतन वर्ष नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ। आप नव वर्ष के लिए शुभ हों और नव वर्ष भी आपके लिए हर तरीके से शुभ हो, आनंदित हो, हर्ष उल्लास के साथ और उत्कर्ष के साथ मनाएं। जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए कितनी अच्छी लाइन बोली है सर ने, बड़ी ही अच्छी लाइन बोली है, क्योंकि 1 जनवरी को कोई नया साल नहीं होता, कोई कारोबार शुरू नहीं होता है, कोई फसल नहीं उगती है, तो हमारी जो फसल होती है वो होती है मार्च में। तो हमें हमारा जो नया साल होता है वो होता है मार्च में, क्योंकि हम देशवासी हैं, भारतवासी हैं, भारतवासी का एक नया साल होता है वो मार्च में होता है। इसी के साथ मैं लेती हूँ विदाई, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड।